हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करूंगा पेटीएम के बारे में। पेटीएम में एक और अपडेट आ चुका है और आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, कैसे इस चीज़ को आपको यूज़ करना है या जो अपडेट है आपके किस काम आने वाला है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, आपको वहाँ पे पेटीएम में कुछ इस तरह से आया होगा कि जो नाउ यूज पेटीएम विद अ न्यू यूपीआई आईडी, इस तरह से करके आया होगा। और आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा ज्यादातर तो कि जो यस बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस, इनसे 4 से टाई अप हुआ था, जिसके लिए यूपीआई का जो प्लेटफॉर्म है वो जो पेटीएम अकाउंट है उनके पेटीएम पर जो न्यूज आ रही थी कि बंद हो जाएगा, तो उसके लिए इनसे टाई अप किया गया था ताकि यूपीआई का जो सिस्टम है उनका कंटिन्यू रन कर सके या चलता रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो उसकी वजह से अभी वहाँ पे इस तरह से अपडेट आ रहा होगा, इम्पोर्टेंट यूपीआई अपडेट और पेटीएम विद द न्यू यूपीआई आईडी, इस तरह से आ रहा होगा। तो उसको आपको एक्टिवेट कर देना है और हो सकता है कि इसकी वजह से आप यूपीआई ना कर पा रहे हो, अगर आपने पिछले दिनों कुछ यूज़ किया हो और नहीं चला हो तो एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद नंबर आपका वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई जैसे ही आप उसको कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड होगा, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एक्टिवेटिंग करके आ रहा है तो पीटी एक्सिस लिखा हुआ है, यानी कि पेटीएम एक्सिस का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है वो मेरा एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद एक्टिवेशन सक्सेसफुल करके आ जाएगा, इज नाउ सेट अप प्राइमरी यूपीआई आईडी, इस तरह से करके आ जाएगा। उसको डन कर देना है। डन करेंगे तो उसके बाद जो होम पेज पर यूपीआई वाला सेक्शन है वहां पे आप जाएंगे तो वहां देखिए प्राइमरी यूपीआई आईडी जो है वो अभी मेरी पीटी एक्सिस है, यानी कि पेटीएम एक्सिस है। और पीटी यस बैंक कर सकते हैं, पीटी एसबीआई कर सकते हैं, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो पुरानी आपकी है उसको एक्टिवेट करने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर ये आ रहा है कि उसको कॉपी करने का आ रहा है और वहां पे आईडी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद करेंगे तो उस पर शायद आएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी यूपीआई आपकी जो न्यू है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से आने वाला है, नाउ यूज पेटीएम विद अ न्यू यूपीआई आईडी, तो इस तरह से आया है। तो आप इसको एक्टिवेट करिए, उसके बाद आप पेटीएम को कंटिन्यू यूज कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एसबीआई, यस बैंक दो का ऑप्शन और है एक्सिस बैंक के साथ साथ, तो अगर आपको उससे करना है, उन दोनों बैंक से आप कंफर्टेबल हैं तो उसको कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी एक्सिस ही रखा है और कंटिन्यू उसको यूज करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SaareTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आ सकते हैं, वहां पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सारे टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Thank you.